हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि मानू में एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्स है जहां एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होगा और बहुत सारे ऐसे कोर्स है जहां मेरिट बेस पे होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि किन कोर्सों में एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होगा और किन कोर्सों में मेरिट के बेस पर होगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो तलबा मानू से एमएड करना चाहते हैं तो उनको एमएड का एंट्रेंस का सिलेबस किस तरह रहेगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस और पैटर्न जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और किस तरह से होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे और मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। तो दो पार्ट में होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के लिए 50 मार्क्स, पार्ट बी के लिए भी 50 मार्क्स। और सबसे अहम बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से यह फ़ायदा है कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है फिर भी टिक करना है, क्योंकि नेगेटिव तो होने वाला नहीं है और अगर सही हुआ तो हमारा सही में काउंट हो जाएगा, तो ये एडवांटेज होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 का 100 क्वेश्चन को टाइम से पहले फिल कर देना है किसी भी हालत में। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए में जो 50 मार्क्स होगा उसमें क्या पूछा जाएगा और पार्ट बी में जो 50 मार्क्स मिलेगा उसके लिए क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप ए मतलब पार्ट ए की बात करते हैं, उसमें जो 50 मार्क्स आने वाला वो कहाँ से आएगा। तो नंबर वन, पहला जो है पैडागोजी से सवाल पूछा जाएगा। बीएड में जो हम लोग पैडागोजी पढ़ते हैं, इल्मे तदरीस जिसको उर्दू में बोला जाता, उससे 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। दूसरा जनरल इंग्लिश मतलब आम अंग्रेजी जो होता है उसके 10 मार्क्स रहेंगे, जो मतलब नॉर्मल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामेटिकल भी रहेंगे और सिनोनिम बहुत सारे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का ये मैं पैटर्न बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल अभी सिलेबस पे बात करते हैं। तीसरा जो रहेगा कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम मतलब असरी तालीमी मसाइल, आज के दौर में एजुकेशन में कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं उनके लिए कितने नंबर रहेंगे, 10 मार्क्स मतलब 10 नंबर। फिर चौथा पॉइंट रहेगा कम्प्रीहेंशन मतलब तफहीमी सलाहियत, इसमें क्या रहेगा एक पैसेज टाइप से दिया रहेगा और उसी का नीचे में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से ढूंढ के उसका आंसर देना है। तो इस तरह के 10 मार्क्स इसके रहेंगे। और फिर पाँचवा और लास्ट पॉइंट जो है पार्ट ए का उर्दू राइटिंग एबिलिटी मतलब उर्दू तहरीरी सलाहियत, इसमें उर्दू से क्वेश्चन रहेंगे कि उर्दू के बारे में आपको कितनी मालूमात है, वाहिद जमा पूछा जाएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उर्दू से रिलेटेड रहेंगे, तो उसके लिए भी 10 मार्क्स। तो पाँच पॉइंट रहेगा और पाँचों पॉइंट के लिए हर पॉइंट के लिए 10 मार्क्स, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा मतलब 50 मार्क्स। यही 50 मार्क्स का पार्ट ए में क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप बी मतलब पार्ट बी की। पार्ट बी में भी 50 मार्क्स रहेंगे, तो पार्ट बी में 50 मार्क्स किस चीज़ के रहेंगे। छठा पॉइंट जो है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मतलब तालीम की फलसफियाना और सामाजिक बुनियादें। तो ये पार्ट ए का जो क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का वो जो होगा वो जनरल क्वेश्चन रहेगा, जनरल 5 टॉपिक है उनसे 50 क्वेश्चन जो है जनरल टाइप से रहेंगे, कहीं से भी पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाले हैं पार्ट बी के, वो ऑल 50 का 50 क्वेश्चन बीएड के सिलेबस पे मुनहसिर है। मतलब बीएड के अगर सिलेबस को, बीएड की किताब को, एसएलएम को या बीएड के कंटेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपका सारा मतलब ये पार्ट बी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कैसे हम लोग बीएड पढ़े और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तालीम की फलसफियाना और सामाजिक बुनियादें, तो फलसफा हम लोगों ने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में फलसफा पढ़ा है और सामाजिक बुनियादें मतलब यानी सोशियोलॉजी हम लोगों ने सेकेंड सेम या थर्ड सेम में पढ़ा है, तो उससे कितने मार्क्स रहेंगे, 10 मार्क्स। अब सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मतलब तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, ये भी हम लोगों ने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में नफ्सियात मतलब साइकोलॉजी पढ़े हैं, तो इससे 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर आठवां पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, आईसीटी का ये फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो
तो ये भी हम लोगों ने बीएड में सेकेंड सेम में या थर्ड सेम में पढ़ा है, तो इसके भी 10 मार्क्स रहेंगे। और नौवां पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट, मतलब मदरसे का इंतज़ाम। तो मैनेजमेंट का जो पेपर है बीएड फोर्थ सेम में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके भी 10 मार्क्स रहेंगे। और लास्ट है दसवां इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब माहौलियाती तालीम, ये भी बीएड के फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा है, तो इससे भी 10 मार्क्स रहेंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि पार्ट ए का जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो जनरल टाइप से रहेंगे, और बाद के जो पार्ट बी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 5 बुक का नाम लिया गया, तो वो सब क्या है बीएड के बेस पे होगा, बीएड के सिलेबस में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बुनियाद पे क्वेश्चन होगा। अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे से पहले से पढ़े भी है तो बहुत आसान हो जाएगा, एमएड में का एंट्रांस निकालना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 9 सेंटर से बच्चे बीएड करके आते हैं लगभग में 800 से 900 के लगभग में, और पहले से भी बहुत सारे रहते हैं और दूसरे सेंटर से भी करते हैं, दूसरी जगह से भी करते हैं, लेकिन मानो से एमएड करना चाहते हैं जामिया से, अलीगढ़ से, और भी मतलब दीगर मतलब जगहों से, तो बहुत सारे मतलब यानी बच्चे रहते हैं और एमएड में सीट जो है मानू में वो कम है। 3 जगह ही एमएड होता है, भोपाल में, दरभंगा में और हैदराबाद में, तो 3 जगह होता है, तो मतलब 180 सीट के करीब है अप्रॉक्स में। और तलवा मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट है, तो टफ होता है, लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जिन्होंने बीएड अच्छे से किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 50 नंबर जनरल है, 50 नंबर बीएड के सिलेबस पे बेस है, तो बहुत आसान है। अगर आप एमएड में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा और साथ ही साथ सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप मतलब यानी मेहनत करके और हमारे साथ जुड़ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, और भी बहुत सारे जो की पॉइंट है उसको मैं बताऊँगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एमएड में अपने दाखिले को एकदम लाजमी कंपलसरी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी नई मालूमात के साथ, एमएड से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।